कंसंट्रेट जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो तो तुम पहले 9th और 10th से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। तुमने 9th में फिजिक्स में न्यूटन्स के लॉज पढ़े होंगे, लॉज ऑफ मोशंस। 10th में तुमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इसके बाद मिरर्स की फॉर्मूला, 1/u + 1/v = 1/f, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमने 9th 10th में पहले पढ़ी हुई है। हमें उन सब चीज़ों को 11th और 12th साइंस में डिटेल में पढ़ना होता है, थोड़ा बेसिक लेवल में, फंडामेंटल जिसे बोलते हैं। तो आज मैं तुम्हारा जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 2 में जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक की बात करूं, एरर। कोई बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरर? सर एरर हाँ बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरर? एरर क्या होती है? समथिंग रॉन्ग, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, रॉन्ग, मिस्टेक, बहुत सी चीजें होती हैं। व्हिच स्टॉप्स आवर वर्क, व्हिच स्टॉप्स आवर व्हिच बिकम्स अ डिफिकल्टी इन वर्क। नहीं नहीं सही है, बढ़िया बढ़िया। अब सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे हाथ में एक पेन होगी कोई ना कोई लिखने के लिए, है ना? सबके पास पेन तो अभी लिखने के लिए। तो बेटा पेन तो है ना तुम्हारे पास? यस सर है। अच्छा, अगर तुम इस पेन की लेंथ मेजर कर रहे हो विथ स्केल, तुमने एक स्केल ली और तुमने स्केल से उस पेन की लेंथ को मेजर किया, तुमने मेजर किया तो पेन की लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। कितनी है सपोज करो? 10 सेंटीमीटर। बाद में तुमने ये पेन जिस कंपनी ने बनाई है वहां से पता लगवाया, कंपनी ने जो पेन बनाई है तो कंपनी बोल रही हमने जो पेन बनाई है वो 10.1 सेंटीमीटर की बनाई है। तो कंपनी वालों ने जो पेन डिजाइन किए 10.1 सेंटीमीटर, लेकिन तुमने जब मेजर किया तो तुम्हें उसकी वैल्यू मिली 10 सेंटीमीटर। क्या डिफरेंस आया? 0.1 सेंटीमीटर। दिस 0.1 सेंटीमीटर इज नोन एज एरर। मतलब हम फिजिक्स की भाषा में एरर किसे बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। मैं एक्चुअल वैल्यू 10.1 थी, तुमने ऑब्जर्व की 10 आई, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरर। क्लियर? किसी को यहां तक डाउट? फिजिक्स की लैंग्वेज में? हाँ बेटा, क्योंकि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है कि हर चीज को ऑब्जर्व करना। फिजिक्स का बेसिक मतलब ये होता है ऑब्जर्व करके उसमें से चीजों को, कुछ चीजों को हम लोग इन्वेंट करते हैं, कुछ चीजों को इनोवेशन भी करते हैं। तो इन्वेंट करना हो या इनोवेशन करना हो, दोनों के लिए क्या चीज सही होती है? ऑब्जर्व। बिना ऑब्जर्व किए तो हम लोग ना इन्वेंशन कर सकते हैं ना इनोवेशन कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करते वक्त एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरर। आई बात समझे बेटा? क्लियर? यस सर क्लियर। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ एरर, एरर के कुछ टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एरर में पहला टाइप आता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा टाइप आता है रैंडम एरर, मैंने जो अभी तुम्हें लेंथ वाला एग्जांपल दिया पेन वाला, इस टाइप के एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर?
सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि तुमने लेंथ मेजर की 10 आई, कंपनी ने बोला 10.1, तो तुम क्या बोलोगे, चलेगा 0.1 इधर उधर हो सकता है, मतलब तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 99% एक्यूरेसी हुई। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, मतलब जिसमें एरर की वैल्यू छोटी होती है, या जिस एरर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल कि तुम्हारे रूम में समझो कोई क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है क्लॉक, अब क्लॉक अगर चलते चलते बंद हो जाता है तो तुम सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, उसमें से क्या चेंज करने की कोशिश करोगे? सर सेल चेंज करेंगे। सिंपल बात है, सेल चेंज करेंगे। तो हमें पता है भी इसमें इस टाइप का एरर पॉसिबल है, तो हम उस एरर को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन तुम्हारे रूम में अगर एक एलईडी टीवी लगा हुआ है, अगर अचानक वो बंद पड़ जाए, क्या तुम उसको भी क्लॉक की तरह खोल के सॉल्व करोगे? नो, उसके लिए स्पेशली बुलाना होगा सर। तुम्हारे लिए वो चीज नहीं है, इवन स्पेशली वाला भी उसको पता नहीं, उसको तो पूरा खोल के सब हर एक पॉइंट चेक करनी पड़ेगी गड़बड़ कहाँ पे हुई है। तो इस टाइप के एरर को हम क्या नाम देते हैं, रैंडम एरर। दूसरी बात, अब so, रैंडम एरर भी क्या एरर है क्या बेटा? मतलब रैंडम एरर हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, वैसी एरर है, खुद सॉल्व नहीं कर सकते, इवन ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे क्लॉक वाला दिया, हाँ क्लॉक वाला सिस्टमैटिक वाला, यू कैन ऑब्जर्व कि तुम्हें पता है इसमें ये प्रॉब्लम है, हम इजीली वो लगा के कर सकते हैं। गॉट इट? अब जैसे हमारे साथ जो अभी बोर्ड में हुआ, जैसे हर साल बोर्ड की एग्जाम कब होती थी सर? मार्च, मार्च में। तो भाई बच्चे अंदाजा लगाते थे मार्च में, भाई 5 मार्च से 15 मार्च के बीच में हर साल एग्जाम होती है, तो कभी वो 6 मार्च को स्टार्ट होती थी, कभी वो 3 मार्च को स्टार्ट होती थी, कभी 9 मार्च को स्टार्ट होती थी। इन द सेंस ऐसे एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। हाँ मार्च में है लेकिन 2-3 डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम होगी ही नहीं, तो ये क्या सिस्टमैटिक एरर माना जाएगा? रैंडम एरर होगा, ये हो जाएगा रैंडम एरर, जिसका मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते कैसे होगा। जैसे जुलाई में बारिश का गिरना, वेदर डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि जुलाई मंथ में भाई 2 दिनों में बारिश आएगी अच्छे से, तो सिंपल बात है तुम्हारे लिए वो कोई शॉकिंग वाली चीज नहीं, बिकॉज जुलाई जो है वो मॉनसून टाइप का सीजन है, जुलाई में तो मॉनसून में तो नॉर्मल बारिश होती है। तो इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। लेकिन अगर जनवरी के मंथ में अगर बारिश हो जाए तो इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। बात हो जाए बेटा सबको, क्लियर? यस सर। जो चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर सके या हम रूटीन चीजें हो, उस रूटीन चीजों में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। लेकिन जो चीजें हमारे ऑब्जर्व में ना हो, इट्स कॉल्ड रैंडम एरर। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब सर लेकिन कभी कभी तो रेन समर में भी हो जाती है। हाँ मैं वही तो बोला, रेन जब समर में हो जाएगी तो हम कौन सा एरर बोलेंगे, रैंडम एरर। रैंडम एरर। और तुम्हें पता है रेन समर में होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, यानी उसको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स बोल सकते हैं। Got it? Yes, sir. Yes. हम अब डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। जो सिस्टमैटिक एरर है उसमें कौन से टाइप होते हैं? तो सिस्टमैटिक एरर में टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, दूसरा टाइप होता है मेथड एरर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक अंदर 3 टाइप होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, मेथड एरर और पर्सनल एरर। तुम्हारा जब क्लॉक खराब हो गया था, तुमने क्या चेंज किया, उसका बैटरी चेंज किया?
तो बैटरी इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट में मेथड में कि पर्सनल में, बैटरी किसमें आता है? इंस्ट्रूमेंट। तो हम बोलेंगे तो बैटरी में प्रॉब्लम है, तो इट्स कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझो, घड़ी अच्छे से चल रही है तो तुम्हें पता है घड़ी में, क्लॉक में तीन हैंड होते हैं, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आर हैंड, तीसरा होता है सेकंड। समझो सेकंड वाले को छोड़ दिया, मिनट हैंड और आवर हैंड में किस हैंड की लेंथ बड़ी होती है? मिनट। मिनट की लेंथ बड़ी होती है, आवर की लेंथ होती है, ठीक है। सपोज करो मिनट की हैंड पांच वाले पे पॉइंट कर रही है, पांच नंबर पे पॉइंट कर रही है, और आवर की हैंड दो नंबर पे पॉइंट कर रही है, मुझे बता सकते हो क्या टाइम हुआ होगा? 2:05। नहीं बेटा, 2:25। 2:25 आई बात समझ में? ओके, पता है पांच कहाँ होता है? ये होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल बात है, ये जो है ये गलती कौन सी हुई तेरी? हाँ सर, मेथड वाला एरर हुआ, क्योंकि हमने कहाँ गलती कर दी कि वन मतलब पांच मिनट होते हैं, पांच मतलब 25 मिनट होते हैं, तो हमने बोल से पांच मिनट बोल दिए। तो इस वन टाइप ऑफ ये जो एरर बनता है, इस एरर को हम कौन सा एरर बोलते हैं? मेथड एरर, जो हमारे जो मेथड है उसमें गलती। तो डाउट यहाँ तक? मतलब हमारे कैलकुलेशन में एरर आई। हाँ, हमारी मेथड जो हमारा जो मेथड होता है ना भाई, हर मिनट वाले को एक नंबर मल्टीप्लाई 5 करना है, उसका मतलब ये होता है दो नंबर मल्टीप्लाई 10 करना है, तीन नंबर मल्टीप्लाई 15 करना है, ठीक है। तो हमने भूल से एक नंबर को 1 बोल दिया, 5 को 5 बोल दिया, तो वो चीज क्या हो जाती है? मेथड का प्रॉब्लम हो जाता है। गॉट इट? जैसे मैं लिखूं सर, इससे मतलब फिजिक्स का रिलेशन क्या है? क्या बेटा? तो इससे फिजिक्स का रिलेशन क्या है? बताओ, आने दो, आगे जाने दे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज राइट और रॉन्ग? सर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्या मिसिंग है? टू ए प्लस टू ए भी मिसिंग है, इट इज नोन एज मेथड एरर, कि हमारा ये मेथड क्या है? गलत है। क्योंकि कोई भी टाइप का जब ऑब्जर्व करते हो उसमें कोई ना कोई मेथड होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, गाड़ी चलाते एक्टिवा, एक्टिवा तुम चला रहे हो, तुम्हें राइट जाना हो तो कौन सा इंडिकेटर दबाओगे? सर राइट का। तो इट इज कॉल्ड मेथड, हमें राइट जाना है तो राइट वाला इंडिकेटर आपको ऑन करना है, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करना है। आगे जा रहे हो तुम, गाड़ी चला रहे हो, अगर रोड खाली है तो तुम क्या बढ़ा देते हो? स्पीड, एक्सलेट बढ़ाते हो। एक्सलेट बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? आगे वाला जो पॉइंट है उसको तो घुमाना होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है? मेथड। हर एक चीज का एक मेथड होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे हम? मेथडिकल एरर। समझ रहे हैं बेटा बात? यस सर। एग्जांपल, न्यू नोटबुक लाते हो तो न्यू नोटबुक लिखते हो स्टार्ट कहां से करते हो? लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? लेफ्ट साइड। तो बात है, तो हमारा जो मेथड है, हमको जो सिखाया गया है मेथड, वो लेफ्ट साइड का। बात समझ आई? क्लियर? यस सर। तो हर एक चीज में कोई ना कोई मेथड इन्वॉल्व होता है, अगर उसमें आप एरर करते हो तो तुम क्या बोलते हैं? मेथड। क्लियर? किसी को डाउट बेटा अभी तक? नो सर। तीसरा आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब सपोज करो कि तुम्हारे सामने घड़ी है और घड़ी में तुम्हें टाइम देखने अच्छे से आता है, मेथड तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में थोड़ा बड़ा चश्मा है और चश्मे के बिना तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक्चुअल में जो हैंड्स है वो कहाँ पे है, कौन से पॉइंट पे, नहीं दिख रहा। तो उस वक्त प्रॉब्लम किसमें हुई? पर्सनल प्रॉब्लम, तुम्हारी आंखों की पर्सनल एरर। कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बोलेंगे कौन सा एरर? पर्सनल एरर। गॉट इट? तो कोई भी टाइप के जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसमें मोस्टली तीन चीजें जुड़ी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है, मेथड जुड़ा होता है, और तीसरा क्या जुड़ा होता है? पर्सनल, यानी खुद। जैसे सिंपल एग्जांपल, भाई
जब 12th सॉरी 10th के बाद जब हम साइंस में एंट्री करते हैं तो साइंस में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स, एक होता है मैथमेटिकल स्टूडेंट, यानी कि एक मैथ्स के लिए एक बायोलॉजी के लिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स नॉर्मली इंजीनियरिंग प्रिफेयर करते हैं, वो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो मोस्टली प्रिफेयर क्या करते हैं, मेडिकल, 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 मोस्टली मेडिकल या फार्मेसी जो भी है। ठीक है, सपोज करो एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके मेडिकल में गए, अच्छा डॉक्टर बन गया। ठीक है, अब उसका उसके सामने एक बॉडी आई है और उस डॉक्टर को उस बॉडी का ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें पता है ऑपरेशन में थोड़ी चीड़ा फाड़ी इंस्ट्रूमेंट होगा चाहिए। अब समझो कि उसने बॉडी को खोलने के लिए हथौड़ा, छेनी, फावड़ा, नहीं वो मजूर लेके आते हैं, अगर उससे उसकी बॉडी खोलना चालू कर दी तो कौन सा एरर माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंट एरर, क्योंकि मेडिकल में वैसे मेडिकल में इंस्ट्रूमेंट तो छोटे छोटे होते हैं, चीपी है, छोटी कैंची, वो सब होते हैं और शार्प होते हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट तुम गलत यूज करो तुम क्या बोलेंगे उसको, इंस्ट्रूमेंट एरर। लेकिन अगर किसी इंजीनियर को बोला जाए सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट देके, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट देके, भाई तू इसका ऑपरेशन कर, तो स्टूडेंट्स को क्या नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, उसके पास 6 इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन जैसे बॉडी आती है उसको समझो ब्लड फोबिया हो, ब्लड फोबिया मतलब ब्लड देखते ही बॉडी में वाइब्रेशन आ रहे हो, तो वो कौन सा एरर माना जाएगा, पर्सनल एरर, पर्सनल। बात समझ आगे बेटा, सर मतलब डॉक्टर की, डॉक्टर को वो प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो डॉक्टर यानी बॉडी का, डॉक्टर की बॉडी का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की बॉडी यानी वो उसका क्या हुआ, पर्सनल एरर, मतलब डॉक्टर को ब्लड देखते ही बॉडी वाइब्रेट करने लग रही है, तो फिर वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा कभी। हाँ, वो खुद बेहोश हो जाएगा, उसके लिए दूसरा डॉक्टर मंगवाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट? यस सर। ये तो ये यस सर सिस्टमैटिक एरर के कुछ टाइप्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर, अब एरर का कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। नॉर्मली कोई भी टाइप के ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे सपोज करो कि तुम 5 लोगों को मैं साइनो सॉफ्टवेयर की एक एक पेन दे रहा हूँ, सबको, पांचों को एक एक पेन दे रहा हूँ, और तुम पांचों ने उस पेन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। एक स्टूडेंट ने बोला सर उस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर नहीं 10.05 है, तीसरे ने बोला सर नहीं 9.98 है, चौथे ने बोला सर नहीं 9.5 है, पांचवे ने क्या बोला सर 10.1 है। तो सबका जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा आसपास आ रहा है, तो हमें फाइंड करना हो इसमें कितना परसेंटेज एरर है। सपोज करो कंसीडर सर, हाँ बेटा बोलो, ये कैलकुलेशन ऑफ एरर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मतलब सिस्टमैटिक एरर या रैंडम? नहीं नहीं, कंपल्सरी सिस्टमैटिक, रैंडम तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, कंसीडर सर, मतलब अभी हमें सिस्टमैटिक एरर ही पढ़ना है। हाँ, हमारे कोर्स में जो डिटेल्ड में है वो सिस्टमैटिक ही। ठीक है, कंसीडर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वांटिटी A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये समझो हमने 5 ऑब्जर्वेशन ली, जैसे मैंने तुम्हें अभी 5 पेन दी, 5 का तुम्हें अलग अलग ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3, A4, A5, सब थोड़े थोड़े वैल्यू से अलग अलग थे, तो हमें फाइंड करना है एवरेज एरर क्या है, एवरेज एरर कितना थोड़ा सा चेंज आता है। तो कभी भी याद रखना हम 100% अच्छे से एक्यूरेट तो नहीं कर सकते किसी भी चीज को, तो हमें मानना होता है कि एवरेज जो एरर है वो कितना आ सकता है। तो एरर फाइंड करने के कुछ मेथड होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स है पूरा ध्यान। सबसे पहला जो स्टेप है उसे बोलते हैं एवरेज द क्वांटिटी,
एवरेज द ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन आए हैं इसका एवरेज कर, तुम्हें पता है एवरेज कैसे करते हैं? सिंपल ऑड नंबर है इसलिए थर्ड ही हो जाएगा। क्या बेटा? ऑड नंबर है इसलिए बीच की टर्म ही हो जाएगी एवरेज। वैल्यू नहीं, जो ही नहीं बीच की टर्म, वो वैल्यू अलग अलग हो तो कुछ भी आ सकता है। डिवाइड बाय 100, पांच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5, अगर 4 ऑब्जर्वेशन होंगी तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4। गॉट इट? कोई डाउट? नो सर। पूरा ध्यान, ये फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है? एवरेज करना पड़ता है। सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट स्टेज में एवरेज वैल्यू है ना, उस हर एक वैल्यू में से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब ए में से माइनस करना ए वन, और इसको सिंबल देते हैं हम डेल्टा ए वन। वैसे जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया ना, इसको डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा बताता है डिफरेंस। फिर हम ए में से ए टू माइनस करेंगे, ए में से क्या माइनस करेंगे? ए टू। फिर सिमिलर डेल्टा ए टू, ए में से ए थ्री। सर डेल्टा क्या सिंबलाइज करते हैं? डिफरेंस, a माइनस ए फोर डेल्टा ए फोर, और a माइनस ए फाइव इसको बोलेंगे डेल्टा ए फाइव। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज है सब की सब इंडिविजुअली a में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आई बात समझ बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर उसमें क्या करते हैं, ये जो सेकंड स्टेज में जितनी भी वैल्यू आई ना, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सेकंड स्टेज में जितनी भी वैल्यूज आई है डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री डेल्टा ए फोर डेल्टा, इन सब का फिर से एवरेज कर, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस डेल्टा ए फाइव, ये पांच वैल्यू है तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? फाइव करेंगे। अगर चार वैल्यू में तो चार करेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा ए, यानी इन सब का एवरेज। लेकिन इस वक्त एवरेज करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना है सबको मॉड्यूलस लगाना। मॉड्यूलस का मतलब समझते हो? जैसे मैं लिखूं माइनस फाइव का मॉड्यूलस, ये क्या बन जाएगा सर? फोर। ये माइनस फाइव का नॉर्मल मॉड्यूलस। सिंपल है, तुमने पढ़ा मॉड्यूलस मतलब फाइव रहेगा। मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव है तो भी हम किस में लिखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव में। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लिखेंगे। मतलब तुम्हें यहाँ पे जो वैल्यूज डालनी है ना, वो कंपल्सरी कौन सी डालनी है? पॉजिटिव डालनी है, नेगेटिव नहीं। अगर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करके वैल्यू डालनी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला स्टेप क्या है? एवरेज द ऑब्जर्वेशंस, पे जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनका क्या करो? एवरेज करो। फिर सेकंड में क्या करेंगे? जो भी फर्स्ट वाला रिजल्ट आया उसमें से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सेकंड स्टेज का रिजल्ट आए उन सबका फिर से एवरेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज होगा उसमें ध्यान क्या रखना है? अगर अब फोर्थ स्टेज, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? यस सर। फोर्थ जो है उसे नाम देते हैं रिलेटिव एरर। कौन सा एरर? रिलेटिव एरर, या फिर फ्रैक्शनल एरर, दोनों नाम हो सकते हैं। इस मेथड में तुम्हें क्या करना है?
थर्ड स्टेज की वैल्यू को डिवाइड करना है फर्स्ट स्टेज की वैल्यू से, यानी डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको सिंबल ऐसा देंगे, देखो डेल्टा ए, ये जो है ना ये है डेल्टा ई, इसको भी डेल्टा बोलते हैं लेकिन स्मॉल लेटर डेल्टा बोलते हैं इसको, स्मॉल लेटर, दोनों डेल्टा है, ये कैपिटल और ये स्मॉल, एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर को क्या करेंगे, जो डेल्टा ए तुम्हें मिला ना ऊपर वाले फोर्थ स्टेज में, इसको 100 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबसे पहले जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनका सबका एवरेज, सेकंड स्टेज में जो फर्स्ट में तुम्हें एवरेज मिला उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू माइनस, थर्ड स्टेज में तो सेकंड स्टेज वाली वैल्यू की सारे के सारे एवरेज कर देंगे, फोर्थ स्टेज में थर्ड और फर्स्ट का रेशियो, एंड फाइनल स्टेज में क्या करेंगे इनटू 100, इट गिव्स यू हाउ अ परसेंटेज एरर इन दिस वैल्यू। और नॉर्मली फोर्थ स्टेज में डेल्टा ए डिवाइड बाय ए कैसे आया, नहीं करना है, इट्स अ मेथड कि हमको जो थर्ड वाली वैल्यू है, यहां पे वर्ड क्या लिखा है हमने फ्रैक्शनल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल, कि इसके कंपेयर में वैल्यू कितनी है, जैसे सिंपल एग्जांपल समझो ए की वैल्यू है 4, ठीक है ए की वैल्यू कितनी 4, और समझो डेल्टा ए की वैल्यू है 0.4, तो अगर मैं 0.4 को 4 से डिवाइड करूं कितना आएगा 0.1, 0.4 को 4 से डिवाइड करूं क्या आएगा 0.1, 0.1 का मतलब जो है कि जो एरर है वो क्वांटिटी का टेंथ पार्ट है, 0.1 का मतलब क्या होता है, जो एरर है वो क्वांटिटी का कितना पार्ट है, टेंथ पार्ट है, मतलब तुम जो क्वांटिटी ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें तुम्हारा एरर उसका टेंथ पार्ट है, यानी 10% एरर पॉसिबल है, इसका मतलब ये होता है, समझ में बेटा बात, सर रिपीट कर सकते हो, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर डेल्टा ए और समझो डेल्टा ए 0.4 है और ए 4 है, तो आप इसको डिवाइड करो, तो 0.4 को अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 0.1 या 1/10 बोल सकते हो, तो ये क्या बताता है कि नॉर्मल क्वांटिटी की कंपेयर में तुम्हारा एरर उसका टेंथ पार्ट है, यानी कि 10% जितना एरर पॉसिबल है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में, कि तुम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसमें कितना एरर आ सकता है 10%, got it? Okay sir. या फिर अगर suppose answer phi a क्या है phi a? क्या बेटा? नहीं ये delta है मैंने बोला, ये भी ये जो है ये वाला symbol ना इसकी बात करें? हम्म। इसको भी delta बोलते हैं ये देखो लिखा ऐसे करके ऐसे delta। इसको small letter delta बोलते हैं, जैसे अपने alphabet होते हैं a b c d capital and small, वैसे ही physics की भी एक a b c d आती है। उसमें पहला वर्ड होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा ऐसा, तो उसमें डेल्टा कैपिटल और ये डेल्टा स्मॉल, दीज आर द सिंबल्स ऑफ क्वांटिटीज, क्लियर? यस सर, यस सर, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटीज है ना अपने फिजिक्स में वो 146 है, कितनी है 146, और अल्फाबेट्स कितने अपने पास सिर्फ 26, क्लियर? इसलिए कैपिटल अलग यूज करने पड़ते हैं, स्मॉल अलग यूज करने पड़ते हैं, कभी कभी दो अलग अलग क्वांटिटीज का सिंबल एक हो जाता है, जैसे प्रेशर का भी पी तो पावर का भी पी, इस तरीके से, क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। तो अच्छे से पहले ये पूरा लिख लो, फिर मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हें करवाता हूँ, ठीक है? पहले लिख लो ये फास्ट, और लिखने के बाद मुझे एक मैसेज करो डन करके भी, सर मेरा हो गया डन।